डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग रिवीजन देने का टाइम है और ताकि एग्जाम सामने है, इसलिए हम लोग रिवीजन देंगे मेमोरी एंड फॉरगेटिंग का। लेकिन उससे पहले मैं जानती हूँ कि जब से स्टैटिस्टिक्स करवाना मैंने बंद कर दिया, मतलब एक हफ्ता ऑलमोस्ट हो गया है मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं करवा रही हूँ, तो तुम लोग भी नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस घर में, श्योर मैं 100% श्योर बोल सकती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं होगा, मैं नहीं करवा रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आज देखो पहले जितना अच्छे से कर पा रहे थे, प्रैक्टिस नहीं करोगे एक हफ्ता भी पहले, मतलब एक हफ्ता प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखते हो उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए बीच बीच में तुम लोगों को प्रैक्टिस करना मस्ट है। इसीलिए मैं आज फिर से तुम लोगों का जो सबसे थोड़ा क्रिटिकल है, जो सबसे थोड़ा टफ है तीनों में से, अब तो देखो क्वार्टर डेविएशन तुम लोगों को नहीं चाहिए, सिर्फ मीन, मीडियन और मोड चाहिए। तो मीन का शॉर्टकट मेथड जो थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं ये फिर से प्रैक्टिस करवा रही हूँ। लेकिन तुम लोग घर में रोज हो ना सके, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन तो तुम लोग प्रैक्टिस करना, ओके, तभी तुम लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा, कैलकुलेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, आज मैं शॉर्टकट मेथड का एक फिर से करवा रही हूँ और तुम लोगों को होमवर्क जो टेबल दूंगी उसी में से तुम लोग मीन और मीडियन भी करके मुझे दिखाना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिस करो, जो होमवर्क देती हो वो करो, तभी तुम लोगों का एग्जाम भी अच्छा होगा, अटेंडेंस भी मिलेगा, ओके। तो आज हम लोग देखते हैं मीन शॉर्टकट मेथड का, फिर से करवा देती हूँ। से ही टेबल से करके बीच बीच में दिखा सकते हो, ऐसे नहीं कि मैं होमवर्क दूंगी, मैं बोलूंगी तभी तुम लोग करके दिखाओगे, ऐसे नहीं। तुम लोग जब भी प्रैक्टिस करते हो मुझे दिखाना, तब मुझे भी पता चलेगा कि तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके, नहीं तो मुझे लगेगा तुम लोग एकदम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोगों का क्लास इंटरवल्स है 7, 16, 15, 9, 8, 5, 4, ये है हम लोग का फ्रीक्वेंसी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या मिला था, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट स्टेप करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या बोली थी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 4 प्लस 0 होता है 4, 2 से डिवाइड करूंगी तो होगा 2। इसके बाद हम लोग 5 ऐड करेंगे 7, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, ये क्या मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के बाद हम लोग का जो स्टेप था वो था एक्स डैश, स्मॉल एक्स डैश। स्मॉल एक्स डैश हम लोग कैसे करते थे, तो यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है,
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 16, तो 16 में डालेंगे 0, ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे -1, -2, -3, -4. लास्ट स्टेप हम लोगों का क्या था, एफ एक्स डैश, मतलब एफ इंटू एक्स डैश, 4, 5 जा 20, 20, 24, 18, 15, 0, -7, -6, -6, -4. दोबारा देखती हूँ, 1, 4 जा 4, 3, 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 16 0 जा 0, 15 1 जा 15, 9 2 जा 18, 8 3 जा 24, 5 4 जा 20 जा 30. तो इसको हम लोग अलग से क्लास करेंगे, इसको हम लोग अलग से क्लास करेंगे, ठीक है. ये होता है 20, 20, 40, 60, 64, 64, 64, 64, 64, 62, 62, 70. ये अलग के अलग से प्लस करके हम लोग को मिला 97. यहाँ पे हम लोगों को कितना मिलता है, 10, 16, 16, 23, -23. फिर से देखते हैं. तो यहाँ पे देखो नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं साइड में कर रही हूँ. समेशन एफ एक्स डैश कितना मिलेगा हम लोगों को, 97 -23 कितना होगा, 4, 7, 74 मिला. ओके, यहाँ पे 97 -23. तो नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला में डालते हैं. फॉर्मूला है m इक्वल टू एच ऑफ मीन प्लस समेशन एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाय n इनटू i. तो यहाँ पे ए एम मतलब हम लोग का एज्यूम मीन कौन सा था. एज्यूम मीन मतलब हम लोग एक मीन एज्यूम कर लेते हैं और उसी एज्यूम जो करते हैं उसी लाइन में हम लोग जीरो डालते हैं. तो वो मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट को हम लोग एज्यूम करते हैं एज ए मीन, उसी मिड पॉइंट के लाइन में हम लोग क्या करते हैं, जीरो डालते हैं. तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन क्या होगा, मतलब जीरो के लाइन में जो हम लोग का मिड पॉइंट है वही होगा हम लोगों का एज्यूम मीन यानी ए एम. तो जीरो का लाइन का हम लोग का वो मिड पॉइंट कितना है, 22 होगा हम लोगों का एज्यूम्ड मीन. समेशन एफ एक्स डैश हम लोग को कितना मिला, 74. हम लोग का एन कितना है, सॉरी एन प्लस नहीं किया, इंटरवल है 5, 22 प्लस इसको हम लोग एक साथ इंटू कर लेते हैं, 37 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से इंटू कर देंगे, 7, 5 जा 35, 20. देखना आज जब करने लगोगे थोड़ा मिस्टेक होने का चांस ज्यादा होता है, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ प्रैक्टिस जरूर करना.
तो इसमें समझने में कुछ भी दिक्कत होता है तो तुम लोग बोल सकते हो। अब मैं तुम लोगों को एक टेबल दे रही हूँ, उसी टेबल में से तुम लोग मीन, ये शॉर्टकट मेथड, और मीडियन का जो है ग्रुप डाटा का जो मेथड है वो मीडियन और मीन शॉर्टकट मेथड से करके जो होमवर्क दिखाओ के कल वाला वो होमवर्क सबमिट करना है। ओके, तो ये मैं मिटा देती हूँ। इंटरवल नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसमें ज्यादा है, 3, 5, 10, 12, 18, 20, 15, 8, 6, 3। तो ये सारा है तुम लोगों का फ्रीक्वेंसी। इसमें से तुम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट मीन शॉर्टकट मेथड एंड मीडियन फ्रॉम द टेबल। कैलकुलेट मीन शॉर्टकट मेथड एंड मीडियन फ्रॉम द टेबल। तो ये टेबल यूज करके तुम लोग मीन और मीडियन कैलकुलेट करोगे। पहले फ्रीक्वेंसी तुम लोग अच्छे से प्लस करना, ये फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी अगर तुम ठीक से कैलकुलेट नहीं करोगे, बाकी सही होने से भी ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से, हर बारी नहीं, ध्यान से ये करके सबमिट करना है। ओके, और तुम लोग बार बार गलतियां कर रहे हो, लेकिन ये एकदम अच्छे से करना है ध्यान देके। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और इस बार तुम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है कि क्वार्टाइल डेविएशन वाला जो सबसे लंबा, थोड़ा टफ, मतलब टफ नहीं है लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो बहुत ही टफ हो सकता था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो अब तुम लोग का सिर्फ मीन का 2 मेथड और मीडियन चाहिए। अगर इसमें भी अगर स्टेटिस्टिक्स ठीक से नहीं कर पाओगे तो बहुत ही शर्म का बात है। ओके, और इस बार अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, देखो कोरोना बाकी सबके लिए जो भी है पेंडेमिक, तुम लोग के लिए एकदम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तुम लोग फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में कोर्स इतना कम हो गया है, लगता नहीं है कि 30% रिड्यूस हो गया, लगता है 50% ही रिड्यूस हो गया। लेकिन इसके बावजूद अगर एग्जाम अच्छा नहीं होगा तो बोलने का कुछ है नहीं। ठीक है, ये होमवर्क तुम लोग सबमिट कर देना। थैंक यू, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है